राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। बंधुओं, अमावस्या के दिन जो मनुष्य भी इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार का सुख, शांति और समृद्धि निवास करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय अमावस माता की जरूर लिखें। बोलो अमावस माता की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान ना थी। इस वजह से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, क्योंकि अब तक उसको कोई संतान ना हुई। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे सात जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें दो कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी पत्नी को कहना कि सुख अमावस का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा एक साल तक करना। एक कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उसके दो कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार ही ना था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, तुम भी सुख अमावस का व्रत किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। एक साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा सहित दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस भर देती है। बोलो अमावस माता की जय हो। बंधुओं, अमावस्या के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? बंधुओं, अमावस तिथि का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। खासकर अमावस तिथि पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। पुराणों के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करने की परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है,
परंतु जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते वे किसी भी नदी या सरोवर तट में स्नान कर सकते हैं। शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर अमावस्या के दिन लाभ उठाना चाहिए। कहा जाता है अमावस्या के दिन शिव पार्वती की पूजा करें और साथ ही तुलसी जी का पूजन भी अवश्य करें। बंधुओं, अमावस्या के दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। महाभारत काल से ही अमावस्या के दिन तीर्थ स्थलों पर पिंड दान करने का बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्री में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाए तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।